ऐसी लड़की की कहानी जो पढ़ना तो चाहती है पर तमाम समस्याओं के कारण पढ़ नहीं पा रही है। गुड्डू नादान के निर्देशक पर बन रही बुंदेलखंड में फिल्म रज्जो का टीजर रिलीज होने के बाद पूरे बुंदेलखंड में धूम मचाए हुए है। इसी कड़ी में गुड्डू नादान ने कहा कि इस फिल्म को हमें बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये फिल्म बुंदेलखंड भाषा पर बनाई गई है और इसकी शूटिंग भी गांव से की गई है। क्यों हैं वो समस्याएं? ग्रामीण परिवेश में रहने वाली रज्जो की पढ़ाई में आखिर क्या अड़चने हैं? जानने के लिए देखें बालिका शिक्षा पर आधारित लघु फिल्म रज्जो बहुत जल्द। ग्रामीण परिवेश में बनने वाली फिल्म रज्जो जो एक शॉर्टली अच्छी स्टोरी बनाई है बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, जिसके अंदर मैं अपने सारे टीम का बुंदेली भाषा में बनने वाली फिल्म रज्जो जो कि बालिका शिक्षा पर आधारित है, जिसमें मैंने रज्जो के पिता का किरदार निभाया है। इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि जो ग्रामीण शिक्षा होती है, ग्रामीण बालक बालिकाओं को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो उनको हम लोगों ने चित्रित करने का प्रयास किया है और उनको दिखाने का प्रयास किया है और उनकी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। अरे, फिल्म कब तक रिलीज होगी और क्या योगदान है आप लोगों का? आप कहते हैं इस पिक्चर को हम लोग नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज कर देंगे और इसके अंदर हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो शिक्षा है और शिक्षा प्रणाली है उसको किस ढंग से यहाँ पर यूज़ किया जाता है और किस ढंग से उसको उस पर वर्क किया जाता है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि गांव-गांव में शिक्षित हों लोग और बालक बालिकाएँ जो ग्रामीण हैं वो भी शिक्षित हों। रज्जो क्या ये तुम्हारी पहली पिक्चर है और इसमें काम करके तुम्हें कैसा महसूस हुआ? हाँ, ये मेरी पहली पिक्चर है और इसमें काम कर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मैंने एक छोटी ग्रामीण बालिका का किरदार निभाया है जिसका नाम रज्जो है और ये जो फिल्म है ये बुंदेली भाषा में आई है और जो मेरे डायरेक्टर गुड्डू नादान सर हैं और जो मेरे प्रोड्यूसर सौरभ निरंजन सर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है और मेरी बहुत हेल्प की है। और तो और मुझे इस किरदार को निभाने में बहुत अच्छा लगा है। और तो और ये जो हमारी फिल्म है ये एक शिक्षा के ऊपर बनाई गई है कि सारे बच्चों का अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करना और मुझे इस फिल्म को करते हुए बहुत अच्छा लगा और इसकी जो स्टोरी थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आपको हमारी ये फिल्म पसंद आएगी। पढ़ाई होती है वो उन परिस्थितियों को हमने इस फिल्म के माध्यम से उजागर किया है और बालिका शिक्षा पर मुख्यतः फोकस किया इस फिल्म में। तो रज्जो की कहानी देख करके लगता है कि किस तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ाएं पढ़ाएं और अभिभावकों से ये कहें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे दो रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बुंदेलखंड में फिल्मी चलन काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है लेकिन इसी कड़ी में बुंदेलखंड में गुड्डू नादान के निर्देशक पर बनी फिल्म रज्जो का टीजर रिलीज होने के बाद धूम मचाए हुए है। इसी कड़ी में हम बता दें आपको कि बुंदेलखंड में काफ़ी वर्षों से फिल्म बन रही है लेकिन आज ये लघु शॉर्ट मूवी काफ़ी धूम मचा।